एक तो जी ये पुरानी हिंदी फिल्में देखने से मुझे बड़ा फायदा होता है। उसमें जब कोई बड़े आदमी से पूछता है कि आप क्या बिजनेस करते हैं, तो वो कहता है मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। वाह जी वाह, बड़े कमाल की बात है। ये दो लव्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े रईस लगते हैं। अब मैं सोच रहा हूं पाकिस्तान में भी करूंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। वैसे पाकिस्तान बाकी मुल्कों से इंपोर्ट तो करता रहता है, वो अलग बात है कि लोग उसे खिराज समझते हैं, लेकिन हमें ऐसे नेगेटिव बातों में नहीं उलझना है क्योंकि हमें तो आगे बढ़ना है। मैं बाजवे से पता करता हूं, मैंने उसे इसी सिलसिले में क्राउन प्रिंस से मिलने भेजा हुआ है। हाँ भाई बाजवा, क्या बना? मतलब क्राउन प्रिंस ने मिलने से मना ही कर दिया है? तो तू ठहरा कहाँ हुआ है? हैं? होटल की रसोई के बाहर लेटा हुआ है? तो यार वहां से सब्जियां टमाटर आलू सब समेट, हाँ तो साथ लिया, जेब में भर ले जितना मिलता है। तो भाई देख, हमारे लिए तो सारा कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही है ना। ये भी तो सोच, शाम को जब मैं घर जाता हूँ तो मेरी बीवी कहती है कि आलू टमाटर प्याज लायो, खाली हाथ आ गए हो। जरा मेरा फायदा करा यार, जो ला सकता है वो समेट तो छेती वापस आ जा। हाँ अब अमेरिका को ही ले, उन्होंने खजाना देना बंद कर दिया है। इनके दबाव में हमें दहशत गर्दों पर कार्रवाई भी करनी पड़ी है और मुल्क में धमाके ही नहीं हो रहे। पहले कितना बढ़िया था, दहशत गर्द धमाके करते थे और नीचे से हथियारों का जखीरा निकल आता था। तो भाई एक बार तो धमाका हुआ तो नीचे से स्टॉक एक्सचेंज निकली है। तब तो हमें पता चला कि पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज भी है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, धमाके नहीं हो रहे, बड़ी मुश्किल है। धमाके से याद आया, मैं राजनाथ साहब से बात कर लेता हूँ, वो हमें धमका के रखते हैं। उनको मशवरा देता हूँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। जी राजनाथ साहब, कैसे हाल चाल? नहीं हमारे क्या हाल चाल, वही मूंगी मसूर की दाल। हाँ जी, हाँ जी, मुद्दे की बात करता हूँ जनाब। देखें हमारे पास मिसाइलें पड़ी हैं, मैं सोच रहा हूँ वो हम आपको बेच देते हैं। नहीं नहीं, उड़ती तो नहीं है जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन एक बात है जी, देखें आपकी मिसाइलें भी आप हम पे इस्तेमाल करना चाहते हो तो हमारे मुल्क में जो मिसाइलें पड़ी हैं वो हमारे ही काम आ जाएंगी ना, आपको वहाँ से फेंकनी भी नहीं पड़नी। हाँ यहीं की यहीं ठा। हेलो, नहीं भला आप ये सौदा मंजूर नहीं कर रहे? जनाब देखें हम सौदागर नहीं हैं, हम फकीर आजम हैं, हमारी बात सुने। हेलो, बकवास ना कर, कह के फोन काट दिया है। खैर पाकिस्तान सिर्फ इंडिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, हम और मुल्कों से भी बात कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आधे से ज़्यादा मुल्क हमारा फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। अब वो वक्त नहीं रहा कि लोग फकीरों की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। हेलो जनाब, मुझे यकीन था इस मुश्किल घड़ी में आप ही हमारी मदद करेंगे। हमारा जी एक ही दोस्त है, क्राउन प्रिंस। हाँ जी, मैं खुद सोच रहा था आपसे बात करूं, कारोबार आगे बढ़ाना है जी। मैं बात करना चाहता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, कुछ लेना कुछ देना। अच्छा आप भी यही कह रहे हैं, तो बताइए जी मैं क्या खिदमत करूं आपकी? हैं, कारोबार बढ़ाना नहीं है, कम करना है। जो पैसा आपने दिया था तेल के लिए वो वापस मांग रहे हैं। जनाब देखें वो उधार पैसा वापस ना लें। हाँ जी, हम एक बार सांस लेना बंद कर सकते हैं लेकिन उधार लेना बंद नहीं कर सकते। हेलो यार, अपनी बात की और फोन काट दिया, बड़ा अजीब बंदा है। पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगता है कि हमें तेल की बड़ी जरूरत है। हम तो हफ्ते में 3-4 दिन गाड़ी जो है बिना तेल के धक्का मार के चलाते रहते हैं। यार मैं कुरेशी से बात करता हूँ, शायद कोई सजेशन दे। हाँ मियाँ कुरेशी, देख भाई मुल्क की तरक्की के बारे में सोच। हाँ अब हमें करना होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है कोई सजेशन तेरे पास? हाँ हाँ, पाकिस्तान तो कचरे का देश है, कचरे में क्या होता है? कीड़े मकोड़े। वाह 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 वाह, सही बात है। ठीक है मैं कीड़े मकोड़ों से बात करता हूँ, मेरा मतलब है चीन वालों से बात करता हूँ। सही सजेशन है यार, मैं खबर करता हूँ तेरे को, फोन करने दे।
जी जिनपिंग साहब, मालको, मैंने आपको खुशखबरी देने के लिए फोन किया हुआ है। हाँ जी, देखें, आप हमेशा चीन से पाकिस्तान को कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो इस बार मौका आया है, पाकिस्तान आपको कुछ देगा। हाँ जी, हम एक्सपोर्ट करेंगे। हैं? हाँ, पाकिस्तान तो कचरे का ढेर है जी, तो सोचे जी कचरे के ढेर में सबसे ज्यादा क्या होता है? कीड़े मकोड़े। तो हम यही कीड़े मकोड़े आपको एक्सपोर्ट करके देंगे। तो जी आपको तो बहुत मजा आना है, आप वो कीड़े मकोड़े खाएंगे, आपको चमगादड़ के सूप से ज्यादा टेस्टी लगने हैं। हाँ जी, डबल मजा होगा। आप तो कीड़े खाते भी हैं, आप तो जौहरी आदमी हैं, आप तो कीड़ों से बीमारी बना देते हैं। मैं अपने दिमाग का इलाज कराऊं? मेरे दिमाग में फालतू कीड़े दौड़ रहे हैं। आप सुने पूरी दुनिया में, हेलो यार, ये बंदा तो मुझे कीड़ा समझता है। बुशरा बेगम सही कहती थी, मैं जब भी इससे बात करूं तो मुझे बात करने से पहले अपने गले में मकड़ी के जाले का तबीज पहनना चाहिए, तभी इसको मेरी बात समझ में आनी है। मैं आज ही जाके 2-4 तबीज बनवा लेता हूं और गले में पहन लेता हूं, नहीं तो कहीं ये ना हो कि ये खोता चंद अगली बार मेरा सूप बना के पी जाए।